टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र सरकार वाइन शॉप, दारू की दुकानें खोल सकती है तो मंदिर, मस्जिद, धर्म स्थल की जगह क्यों नहीं खोल सकती है? ये सवाल सबसे बड़ा है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने ठाणे में कलवा में मंदिर के पास खड़े रहकर घंटा बजाओ आंदोलन किया। एक तरफ जहां ठाणे में भाजपा आमदार निरंजन डोखरे, संजय केलकर, संदीप लेले, सुरेश जोशी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घंटा बजाओ आंदोलन किया, सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से जागरूक करने का काम किया। साथ ही ये भी कहा, कोरोना काल में बंद हुए मंदिर, मस्जिद व अन्य धर्म स्थल और दूसरी तरफ इसी कोरोना काल में वाइन शॉप, दारू की दुकानें खुल सकती है तो मंदिर, मस्जिद आखिर क्यों नहीं खुल सकती है, अन्य धर्म स्थल क्यों नहीं खुल सकते हैं। और कलवा में बीजेपी कार्यकर्ता मनोहर सुखदरे ने कहा, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग मंदिर खोल देंगे। सुनिए सुखदरे ने क्या कुछ कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से आज पूरे राज्य भर घंटानंद आंदोलन हो रहा है और ये घंटानंद आंदोलन के पीछे ये जो कोरोना काल में जो 6 महीने से मंदिर, टोटल धार्मिक स्थल हमारे बंद है तो ये धार्मिक स्थल शुरू होना चाहिए। आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने वाइन शॉप शुरू किए हैं, दारू बिक्री शुरू हो गई है तो दारू अगर बिक्री शुरू होती है, वाइन अगर शुरू हो सकती है तो मंदिर क्यों नहीं शुरू हो सकते हैं। हमारे हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं का, हिंदुओं के नहीं मुस्लिम लोगों के भी धार्मिक भावनाओं का, अन्य समाज के भी धार्मिक भावनाओं का प्रश्न आ चुका है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर करते हुए ये मंदिर शुरू करने की मांगनी राज्य सरकार से कर रहे हैं और हमने देखा है कि ये 6-7 महीने में हमारे जो पुजारी लोग हैं, हमारे जो मस्जिद के मौलाना जो लोग हैं उनका भी आज पेट रोजी रोटी का सवाल उपस्थित हो गया है। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को ये घंटानाद के माध्यम से जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जो भी जितने भी मंदिर है वो तुरंत शुरू किए जाए, ऐसी मांगनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग करते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उनके हिम्मत के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मंदिर शुरू करेंगे।